चिल्ड्रन, आइए कंटिन्यू करते हैं लेसन नंबर 15, हमारे चारों और वायु के अभ्यास के प्रश्न। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के डैश अवयव की आवश्यकता होती है। बच्चों याद कीजिए, हमने लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया था कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जब वो पौधे भोजन बनाते हैं तो उन्हें जरूरत होती है कौन सी गैस की, याद कीजिए, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड की, और हमें यहीं पर वो लिखना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। हमें 5 यूजेस बताने हैं यहाँ पर वायु के। याद कीजिए लेक्चर नंबर 6, जहां पर मैंने आपको बहुत सारे यूजेस एक्सप्लेन किए थे वायु के, तो उन यूजेस में से यहाँ पर हम कोई 5 यूजेस लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्वसन यानी कि सांस लेना, ज्वलन किसी पदार्थ का जलना, बीज प्रकीर्णन बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाना, बादलों का बनना, ये मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 5 में, पवन चक्की द्वारा विद्युत उत्पन्न करना, जहां हमने देखा था ना कि किस तरह से पवन चक्की से ब्लेड्स घूम रहे थे और जनरेटर कॉइल घूमकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही थी, तो ये आंसर आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में। और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, आपसे कहा जा रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो पौधे लिबरेट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिविंग बींग्स एनिमल्स ले रहे हैं, तो ये किस प्रकार से पौधे और जंतु एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बच्चों मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में जब हमने ऑक्सीजन साइकिल डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था ना कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। कैसे? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं, और वो कंजम्पशन वो कहाँ किस वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड से वो खाना बनाकर ऑक्सीजन को लिबरेट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और फिर वही ऑक्सीजन कौन लेता है? जीव जंतु। तो इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का एक्सचेंज चलता रहता है, और हम कह सकते हैं जंतु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यही आंसर हमने यहाँ पर लिखना है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जंतुओं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, वही जंतु पौधों से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में पौधों और जंतुओं के बीच गैसों का आदान प्रदान चलता रहता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारे चैप्टर एंड क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं, और कंप्लीट होता है हमारा लेसन नंबर 15, हमारे चारों और वायु। थैंक यू। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।